हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एन सी आर टी वर्क बुक क्लास फोर ई वी एस का चैप्टर थर्टीन ए रिवर्स टेल तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओसवाल का एन सी आर टी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्टीन है ए रिवर्स टेल ठीक है पहले हम रिवाइज करेंगे लेट्स रिवाइज ठीक है वाटर इज़ वाइटल फॉर लाइफ वाटर क्या है लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफ़ेस इज कवर्ड विथ वाटर वाटर से कवर्ड है अर्थ का सरफेस कितना थ्री फोर्थ रेनफॉल इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ The rainwater flows in the rivers and is made available to living beings. We get drinking or fresh water from rivers and below the ground. Sea and ocean water is salty and not fit for drinking. It is called saline water. The people used the river water for many different things such as washing clothes bathing animals and cleaning utensils many of these activities make the water dirty causing water pollution the water in the river kept changing as it flows through various places water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons dirty water causes many water body borny diseases the best way to clean water is boiling a condition occurring due to scarcity of water is called drought excessive rainfall uh, can cause flood water is replenized on earth through water cycle rainwater harvesting is one of the way to store rainwater for future use. take summary. let us remember some facts. the line, water, water everywhere, nor any drop to drink, comes from a very famous poem called the rhyme of the ancient mariner by samuel taylor coleridge about a sailor uh, who was lost at sea for a long time although three-fourths of earth's surface is covered with water while only 2% uh, of it is drinking water let's think about it why do we need to save water we need to save water because water is vital for life and the amount of ड्रिंकिंग वॉटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड ग्लोसरी अब देखिए इसमें देखेंगे कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्या है पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेट इन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट काउस एडवर्स चेंज कॉन्टेमिनेशन द एक्शन और स्टेट और मेकिंग ऑर बींग बींग मेड इम्प्योर by पॉल्यूटिंग और पॉइजनिंग पॉल्यूटेंट्स harmful substances, स्कैरसिटी ऑफ वाटर लैक ऑफ वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर सलाइन presence ऑफ सॉल्ट ठीक है ये तो था आपका समरी ग्लॉसरी ठीक है ये सब कंप्लीट हो चुका है और ये है मैप ठीक है माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल ये सारा चीज़ आपको दिखा, दिखाया जा रहा है ठीक है उसके बाद है यहाँ पर वर्कशीट फोर्टी टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इस पिक्चर को केयरफुली देखिए और क्वेश्चन का आंसर देना है वॉट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर वेयर इट बींग्स इट इज़ कलरलेस ठीक है कैसा होता है कलरलेस होता है एट सम प्लेसेज देर आर मैनी फिश इन द रिवर फू एंड प्लेस देर आर डेड फेस वॉट कुड बी द रीजन फॉर दिसकस क्या रीजन है जो कहीं कहीं पर फ्रेश होता है अच्छा होता है बहुत सारे फेस होते हैं ठीक है ठीके? और कहीं कहीं पर डेड फेस होता है तो इसका क्या रीजन होता है द फेस नीड फ्रेस एंड वाटर ठीक है फेस को क्या जरूरत होता है फ्रेश एयर यानी कि बहुत अच्छा पानी होना चाहिए ठीक है और पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल्स इनटू वाटर अपने यूज़ यूजलेस मटेरियल्स जो है ना वाटर में फेंक देते हैं द वाटर एट द एट दैट प्लेस बिकम अनफिट फॉर फिशेस और क्या होता है ये फिशेस के लिए अनफिट होता है ठीक है जिसके कारण वो मर जाते हैं वाट कैन बी Seen in the river before it reaches the village. Large number of faces can be seen because water is pure and fresh. At which places did the color of the water in the river change? Why did this happen? Discuss. The color of the river changes where there are factory nearby. This is because factory water are... Uh, डी डिपेंड डी पेंड इन टू रिवर ठीक है क्या होता है जो फैक्ट्री में बहुत सारा काम होता है जो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है ना तो इससे रिवर पॉल्यूटेड हो जाता है गंदा हो जाता है ठीक है विच ऑफ द प्लेसेज साउंड इन द पिक्चर वोड यू लाइक टू लीव इन वाई आई वुड लाइक टू लीव इन द प्लेस साउंड इन द लोअर फिगर It is more clean. Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? I would like to remove the waste material from the ba bank of the river. This is because uh, these wastage these, these will contaminate the, contaminate the water. What uh, could be done to keep the rivers clean? Industrial waste and sewage should not be discarded into the river. If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? I would like to drink water from the beginning part of the river before it reaches the Village. Answer the following questions. How is drinking water cleaned in your house? In our house, first of all, alum is added to water. The mud settles uh, down. The water is the, uh, the water is then uh, poured into filter. Chlorine tablet is also added to. दिस वाटर फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम एडिंग एलम फिल्टरिंग एडिंग क्लोराइन एक्सेट्रा ड्रॉ पिक्चर सोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर तो यहाँ पर दो पिक्चर बनाना है आपको जिससे कि ये दिखाया जाएगा कि आप वाटर को कैसे क्लीन करते हैं एक तो अब बॉइलिंग मेथड होता है ठीक है एक तो आर से फिल्टर करते हैं उस तरह से ठीक है घर में भी आर लगा होता है तो किस किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ फिगर बनाएंगे ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है नीचे जैसे कि एक मेथड तो होगा बॉयलिंग तो यहाँ पे बॉयलिंग वाला सीन बनाएंगे पिक्चर बनाएंगे केमिकल डाल के उसके बाद मल्टी स्टेज ठीक है आर फिल्ट्रेशन ठीक है इस तरह से आप इसे फिल्टर करेंगे वर्कशीट 43 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इन टू द सी हैव यू एवर सीन द सी फेयर इन अ मूवी और सम वेयर एल्स आई हैव सीन सी इन गोवा आपने कहाँ देखा है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे ठीक है हैव यू एवर बीन Uh, near a river or sea when the Ganga river flow in my village so I often go to Ganga river. So with your hands how the waves in the sea move draw its picture. Take. Okay? तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनाना है कि जैसे कि सी होता है समुंदर होता है तो उसमें जो वेव होता है ना लहर वो किस तरह से अप डाउन करता है किस तरह से उठता है ठीक है लहर उठने का जो वेव होता है ना वो उठने का इस तरह से आपको सीन बनाना है यहाँ पे ड्रॉ करना है पिक्चर ठीक है तो ये आप खुद बनाएंगे इज़ द वॉटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल वाई सी वाटर कंटेंस मोर अमाउंट ऑफ dissolved salts and hence it is unsuitable for drinking do you think that there would be changes taking place in a river pond or stream at different times of the year what kind of changes would this be discuss yes during the raining season there is maximum water during winters there is very little water, pond, stream, etc. may even get dry. Will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy seasons and uh, in summer? No, there is more water in the rainy season. Worksheet 44 Is there a pond? river or lake near your town or city find out are there any changes in the water during summers the rainy season and in winters during rainy season there is more water the water becomes more muddy in winter and uh, starting of summer there is very little water is pond some many even dry up what are the different kinds of water animals uh, found there? fish, dolphins, crab, etc. What kind of trees and plants grow around it? Grass, banana, etc. What are the kind of what are the kinds of birds that come there? Many kinds of birds, mainly carnivorous, birds like eagle, etc have you ever seen or read about floods where i have heard about flood in mumbai and assam i have seen in tv news also what happens when there is a flood there is access of water everywhere water enters even in houses people suffer a lot have you seen Dirty water in a river or pond, where? Yes. Okay. How would you know if the water is dirty, if the water looks clean? Can you be sure that it is alright to drink that water? Discuss. Pure water is clean and clear. Dirty water is not so even if the water looks clean. इट मे नोट भी ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर इट मे कंटेन जर्म्स दैट काजेज डिजीजेस परफॉर्म द एक्टिविटी गिवेन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड टेन एंड एंसर द फॉलोइंग व डिड यू अब्जर्व पुट टिक मार्क इन द राइट प्लेसेस ठीक है तो यहाँ पे राइट right प्लेसेस में आपको टिक लगाना है तो यहाँ पर दिया हुआ है थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर जो घुल जाता है वाटर में डिड नाट डिज़ोल्व इन वाटर जो वाटर में नहीं मिक्स होता है नहीं घुलता है कलर ऑफ वाटर चेंजेज क्या वाटर का कलर चेंज होता है कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंजेज अगर कलर चेंज नहीं होता है तो इसमें टिक लगाना है तो सुगर सुगर डिज़ोल्व टिक लगाएंगे सॉल्ट डिज़ोल्व लेमन डिजोल्व उसके बाद हल्दी नहीं है डिज़ोल्व इसमें टिक नहीं लगाना है ठीक है डिज़ोल्व नहीं है तो इसमें टिक लगाएंगे ठीक है और सोप वाटर डिज़ोल्व टिक लगाएंगे अब शुगर का आ, कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज चेंज नहीं होता है इसमें लगाएंगे सॉल्ट का नहीं होता है लेमन जूस का नहीं होता है ठीक है थीके? इसका कलर ऑफ वाटर चेंजेस हल्दी अगर मिक्स होता है तो कलर चेंज हो जाता है वाटर का येलो हो जाता है ठीक है उसके बाद सोप वाटर तो इसका भी कलर चेंज हो जाता है थीके? टिक लगाएंगे फ्लोर फ्लोर का डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है टिक लगाएंगे और कलर चेंज हो जाता है उसके बाद फिर है दाल तो दाल का देखिए ये भी डिज़ोल्व हो जाता है दाल जो है ना डिड नॉट डिज़ोल्व डिज़ोल्व नहीं होता है इसमें टिक लगाएंगे ठीक है और कलर इसका चेंज कलर ऑफ वाटर चेंजेस क्या होता है इसका कलर चेंज हो जाता है शर्बत डिज़ोल्व हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है ठीक है और इसमें आ, कुकिंग सोडा ये डिज़ोल्व हो जाता है मस्टर्ड ऑयल जो है ना कलर चेंज हो जाता है ठीक है बस इस तरह से आपको आ, कुकिंग सोडा का क्या होता है आ, कलर आ, चेंज नहीं होता है ठीक है इसमें तो हम ये सारा इस तरह से एक्टिविटी करेंगे आप ये एक्टिविटी घर में करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ठीक है आपको कोई भी छोटा सा एक बर्तन लेना है उसमें आप सुगर सॉल्ट लेमन जूस ये सारे चीज जितने भी है ना घर में सारा चीज अवेलेबल होता है तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या ऐसा होता है या नहीं होता है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल ठीक है डू ऑल थिंग्स डिजोल्व इन वाटर नो क्या सारा चीज़ डिज़ोल्व हो गया वाटर में तो नहीं हुआ तो नो लिखेंगे डज द कलर ऑफ द वॉटर ऑलवेज चेंज हमेशा चेंज हो जाता है तो नो डिड ऑल डिज़ोल्व इन वाटर हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिज़ोल्व और नोट वी वुड नोट बी एबल टू हैव ड्रिंक्स टी कोक फूड एंड मैनी मोर ठीक है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो